फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव योवर गोल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपको मेरे चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर ये क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी है, आपको क्रॉप फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर से आपको लगभग 50% क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, इसमें टाइमिंग जो है आपकी 2.5 आवर है और इसके मैक्सिमम मार्किंग जो है वो 50 है। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है आपका। देन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ आपको मिलेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से एक राइट आंसर को चूज करके आपको आंसर देना होगा। तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए पहला MCQ देखते हैं सेक्शन ए का। हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी का पिता कौन है? ऑप्शन है KV थीमन, स्टेफन हेल्स, एम कैल्विन एंड KK नंदा। सो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर को सेलेक्ट करना है और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इन? सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस में होता है? रूट हेयर में, पैसिस सेल में, कॉर्टेक्स सेल में या मीसोफिल कॉल में। तीसरा MCQ है, इफ अ सेल स्वेल्स आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज? तो अगर कोई सेल है वो स्वेल हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, न्यूट्रल या आइसोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाई बैक डिसीज इन सिट्रस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो जो डाई बैक डिसीज है सिट्रस में होती है वो किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है MO, B, CU एंड ZN। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनरली प्लांट एब्जॉर्ब N2 इन द फॉर्म ऑफ? प्लांट जो है नाइट्रोजन को किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? ऑप्शन है NO2, N बॉन्ड एंड NO3 एंड HNO3। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन ड्यू टू? ऑप्शन है इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल? 38, 36, 32, 34। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम वन क्रैब साइकिल आर? तो क्रैब साइकिल में कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन है 30, 34, 15 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को एंजाइम? कौन सा को एंजाइम है? ऑप्शन है NAD, FAD, NADP एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल इज? ऑप्शन है मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पाइरुविक एसिड एंड एसिटिल को एंजाइम। सेक्शन बी जो है आपका, इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपके जो क्वेश्चंस है, पहला है लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन है कैम क्या होता है प्लांट्स में, क्वेश्चन नंबर 3 है C3 एंड C4 प्लांट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टोमेटल फिजियोलॉजी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है फोटोसिंथेसिस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी जो है आपको, इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। इसमें आपको किन्हीं 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो रेस्पिरेशन क्या होता है और आपको ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ क्रैब साइकिल
डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। तो आपको फैटी एसिड का जो संश्लेषण है, ब्रेकडाउन है, उसको समझाना है और क्रैब साइकिल को स्टेप के थ्रू बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR क्या है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल एंड एग्रीकल्चर यूजेस। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या है एग्रीकल्चर में, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं डेफिशिएंसी, उनके फंक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज क्रॉप फिजियोलॉजी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इन द कंटेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में, इसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये क्रॉप फिजियोलॉजी का पेपर है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।